आज हम बात करने वाले हैं चॉपिंग बोर्ड के बारे में। तो थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। तो आज हम बेसिक नॉलेज हम शेयर करने वाले हैं जो कि हमारा चॉपिंग बोर्ड से रिलेटेड है। अगर आप न्यू लर्नर हैं, अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं या अपना कोर्स कर रहे हैं, आने की सोच रहे हैं, तो ये एक ऐसी चीज है, चॉपिंग बोर्ड एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है और ये बहुत ही बेसिक है। इसके और भी वीडियोस आपको YouTube में मिल जाएंगे, अलग अलग सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, बट मैं पहली बार चॉपिंग बोर्ड से रिलेटेड एक आपके लिए आज वीडियो लाया। चॉपिंग बोर्ड एक ऐसा व्हीकल है जिसकी वजह से क्रॉस कंटामिनेशन होता है। क्रॉस कंटामिनेशन मतलब बैक्टीरिया का इधर से उधर जाना। अब बैक्टीरिया चल के तो जा नहीं सकता है, तो बैक्टीरिया किस रीजन से जाता है? हमारे हाथों से जाता है। जब हम हाथ से चिकन को पकड़ते हैं, फिर उसी हाथ से हम वेजिटेबल को पकड़ते हैं। सेम जब हम चॉपिंग बोर्ड में अगर हम कोई वेजिटेबल काट रहे हैं, उसी चॉपिंग बोर्ड में हम नॉनवेज काट रहे हैं, तो क्या होगा? क्रॉस कंटामिनेशन होगा। तो हैंड सबसे कॉमन है, उसके बाद जो आता है मोस्ट कॉमन इन द किचन वो है हमारा चॉपिंग बोर्ड, जो कि एक व्हीकल है क्रॉस कंटामिनेशन होने के लिए। तो आज हम बात करेंगे अलग अलग चॉपिंग बोर्ड के बारे में। हमारे किचन में 6 तरह के चॉपिंग बोर्ड पाए जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्राउन, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड रेड। तो आज हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा चॉपिंग बोर्ड किसके लिए यूज किया जाता है। आई होप कि आप लोगों में से कईयों को पता होगा कि कौन सा चॉपिंग बोर्ड किसके लिए यूज करते हैं, बट कई लोग आप में से फ्रेशर होंगे, कई लोग अभी इस इंडस्ट्री में आने की सोच रहे होंगे, तो उनके लिए वीडियो स्पेशल होने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले रेड चॉपिंग बोर्ड से, और मैं आपको बताता हूँ रेड चॉपिंग बोर्ड किसके लिए यूज किया जाता है। सो रेड चॉपिंग बोर्ड जो हमारा होता है वो होता है रॉ मीट के लिए, मतलब चिकन को छोड़ के जो भी आप मीट यूज करना चाहे, रेड मीट आप बोल सकते हैं, उसको आप काटेंगे रेड चॉपिंग बोर्ड के ऊपर। रेड मीट किसे कहा जाता है? रेड मीट मतलब आपका बीफ हो गया, आपका लैम हो गया, ये चीजें जो है आप रेड चॉपिंग बोर्ड में काटेंगे। सेकंड नंबर आता है येलो का। येलो चॉपिंग बोर्ड हम यूज करते हैं पोल्ट्री के लिए। पोल्ट्री में आपका डक भी आ सकता है, चिकन भी आ सकता है। सो येलो चॉपिंग बोर्ड आप काटोगे इसमें पोल्ट्री का कोई सा भी रॉ आइटम, नॉट कुक्ड आइटम। अब चिकन आप अगर काट रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुक्ड है। रॉ चिकन, रॉ पोल्ट्री, कोई सा भी पोल्ट्री आइटम आप यहाँ पर काट सकते हो येलो चॉपिंग बोर्ड के ऊपर। पोल्ट्री में क्या क्या आता है आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, ये सारे जितने भी एनिमल्स है ये सारे आप येलो चॉपिंग बोर्ड के ऊपर काट सकते हो। उसके बाद आता है ब्लू चॉपिंग बोर्ड। ब्लू मतलब पानी, सी। सो ब्लू में आप कोई सा भी सी फूड आइटम काट सकते हो, उसमें आपका कलामारी हो सकता है, आपका फिश हो सकता है, आपके प्रॉन्स हो सकते हैं, आपके जंबो प्रॉन हो सकते हैं, कोई सा भी सी फूड आइटम आप ब्लू चॉपिंग बोर्ड में काट सकते हो, मगर रॉ, नॉट कुक। उसके बाद हम अगले चॉपिंग बोर्ड में चलते हैं जो कि हमारा है ग्रीन चॉपिंग बोर्ड। ग्रीन मतलब पेड़, हरियाली, घास, मतलब वेजिटेबल। तो कोई सा भी वेजिटेबल आप अगर काटना चाह रहे हो तो वो आप काटोगे ग्रीन चॉपिंग बोर्ड के ऊपर, चाहे वो फ्रूट है, चाहे वो वेजिटेबल है, चाहे वो लेट्यूस है, लीफ आइटम है, हार्ड आइटम है, पोटेटो है, कोई सभी वेजिटेबल आप काटोगे ग्रीन चॉपिंग बोर्ड। उसके बाद सेकंड लास्ट हमारा है व्हाइट चॉपिंग बोर्ड। व्हाइट चॉपिंग बोर्ड के ऊपर आप काटोगे कोई सभी डेयरी आइटम या आपका ब्रेड भी हो सकता है। डेयरी में आपका कोई सभी चीज हो गया, आपका बटर हो गया, आपके ब्रेड्स हो गए, कोई सभी ब्रेड आइटम हो गया, आप काटोगे व्हाइट चॉपिंग बोर्ड में। सो कोई सभी बेकरी का आइटम हो गया, आपका डेयरी का आइटम हो गया, आप व्हाइट चॉपिंग बोर्ड यूज करोगे। लास्ट हमारा चॉपिंग बोर्ड है ब्राउन चॉपिंग बोर्ड, जिसमें कि हम काटते हैं कुक्ड आइटम। अब कुक्ड आइटम कोई सा भी हो सकता है, कुक्ड मतलब कोई सा भी नॉनवेज का कुक्ड आइटम आप इसमें काट सकते हैं। अब चाहे वो फिश है, चाहे वो पोल्ट्री है, चाहे वो रेड मीट है, आप कोई सा भी मीट आइटम जो कि कुक्ड है वो आप काटोगे ब्राउन चॉपिंग बोर्ड। तो ये सारे इनके काम होते हैं अलग अलग चॉपिंग बोर्ड के। और अलग अलग चॉपिंग बोर्ड हम क्यों यूज करते हैं? जिससे कि हमारा क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। अब सपोज करो आपने कोई रेड मीट काटना है तो आप उसको रेड में काटो। अब आपने अगर चिकन काटना है तो आप वो येलो में काटोगे, उससे क्या होगा, जो रेड मीट का बैक्टीरिया है वो आपके चिकन में नहीं आएगा। जो चिकन का हमारा साल्मोनेला बैक्टीरिया है वो आपके रेड मीट में नहीं आएगा। इससे आपको ये फायदा होता है, इस चीज के लिए, ये क्रॉस कंटामिनेशन से बचने के लिए ये सारे चॉपिंग बोर्ड, ये सारे अलग अलग कलर के चॉपिंग बोर्ड बनाए गए हैं हमारे होटल इंडस्ट्री। तो इन अलग अलग चॉपिंग बोर्ड का हमको यूज करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड किचन में, किसी भी अच्छे होटल में, अच्छे ब्रांड के होटल में, अच्छे कंपनी में अगर काम कर रहे हो तो आपको ये चीज फॉलो करना जरूरी होता है। क्योंकि अच्छे अगर ब्रांड में काम करोगे तो वहाँ पे म्युनिसिपैलिटी का, हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है, और जहाँ पर हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, म्युनिसिपैलिटी का ख्याल रखा जाता है, तो वहाँ पर ये रूल हमको फॉलो करने जरूरी होते हैं, जिससे कि आप बच सकते हो। आप कैसे प्रिवेंट करोगे क्रॉस कंटामिनेशन से? अगर ये चीज आप फॉलो नहीं करोगे तो उससे क्या होगा, आपके गेस्ट को फूड पॉइजनिंग हो सकती है, इल हो सकता है आपका गेस्ट, आपको आपके गेस्ट से अच्छा फीडबैक नहीं मिलेगा, आपके कस्टमर दोबारा नहीं आएंगे, कई चीजें होती है। इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि क्रॉस कंटामिनेशन और फूड पॉइजनिंग से आपको क्या क्या घाटा हो सकता है आपके किचन में, आपके होटल में। सो इसलिए हमको ये चीजें फॉलो करनी पड़ती है। इन चीजों से सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप क्रॉस कंटामिनेशन से बचते हो। देखो, जहां पर भी आप काम कर रहे हो सबसे पहले आपको हाइजीनिक तरीके से काम करना पड़ता है। ये नहीं कि आप होटल इंडस्ट्री में हाइजीनिक तरीके से काम करो, आप किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हो तो आप एक साफ सुथरे तरीके से काम करना चाहोगे, और आपकी कंपनी भी चाहेगी कि हमारा जो स्टाफ है, हमारे जो गेस्ट है, हमारे जो कस्टमर है, वो साफ सुथरे तरीके से हमारे कंपनी में आए, उनको अच्छी सर्विस मिले, अच्छी फैसिलिटी मिले, यू नो, कोई भी गंदे में नहीं आना चाहता। अगर आप भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हो खाने के लिए तो आपको भी सफाई चाहिए होती है, आपको भी हाइजीनिक
यू नो एटमोसफियर चाहिए होता है, तो वही आपके कस्टमर को भी आपसे चाहिए होता है। इन्हीं चीजों से बचने के लिए ये रूल्स बनाए जाते हैं, और इन्हीं रूल्स में एक रूल्स आता है चॉपिंग बोर्ड यूज करने का। तो यहाँ पर मैं एक और चॉपिंग बोर्ड के बारे में बताऊंगा, जो कि है हमारा पर्पल चॉपिंग बोर्ड। तो ये हमारा स्पेशली होता है एलर्जन गैस के लिए, जिनको एलर्जी होती है। एलर्जी कई तरह से हो सकती है, डेयरी से हो सकती है, पीनट से हो सकती है, सी फूड से हो सकती है, मिल्क से हो सकती है, एग से हो सकती है, किसी भी कई सारी चीजें होती है जिनसे एलर्जी हो सकती है। तो जब गेस्ट हमारे रेस्टोरेंट में आता है, हमारे होटल में आता है, तो वो सबसे पहले वेटर को बताता है कि मुझे इस चीज से एलर्जी है। फिर वो वेटर किचन में बताता है, किचन में इन्फॉर्म करता है कि इस गेस्ट को इससे एलर्जी है, तो प्लीज इसके लिए जो है स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाए। तो हम उस गेस्ट के लिए हम पर्पल चॉपिंग बोर्ड यूज करते हैं। तो ये हमारा पर्पल चॉपिंग बोर्ड है, इसे हमने अभी रैप भी किया हुआ है, मतलब इतनी सिक्योरिटी दे रखी है, इसे हमने रैप भी किया हुआ है। पहले मैं इसको खोल देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो ये हमारा पर्पल चॉपिंग बोर्ड है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है एक तरह से। जब भी इसे हम यूज करते हैं, तो इसके लिए स्पेशल एक एरिया हम चूज करते हैं, जहाँ पर कोई सा भी आइटम ना बनता हो। जैसे यहाँ पर मैंने ये एरिया चूज किया है, यहाँ पर पूरा क्लीन है, हाइजीनिक है और सफाई हो रखी है पूरी। तो यहाँ पर मैंने चॉपिंग बोर्ड को खोला है। इसी तरह से हम अपना किसी भी एलर्जन गैस के लिए हम खाना बनाते हैं। तो ये हमारा जो है ये है चॉपिंग बोर्ड, और इसके अंदर ये देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है एलर्जन सेफ्टी जोन सिस्टम। तो इसके अंदर क्या क्या मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको हम खोलेंगे, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको जो है इस तरह से यहाँ पर आपको सबसे पहले ये लैडल मिल जाएगा। अब ये लैडल से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक चॉपिंग बोर्ड भी मिल जाएगा, क्योंकि विदाउट चॉपिंग बोर्ड आप कोई खाना बना नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको चॉपिंग बोर्ड मिलेगा क्लीन एकदम। तो इस चॉपिंग बोर्ड को बिछाने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, ये है लैडल। तो ये लैडल हमारा काम आता है, अगर हमको कोई करी बनाना है, कुछ भी मतलब खाना बनाना है, कुक करना है, तो उसके लिए ये लैडल पर्पल कलर का लैडल है। उसके बाद हमारे पास ये है हमारा टोंग। कुछ भी चीज हमें पकड़नी है, उठानी है, तो हम इस टोंग का यूज करेंगे, जिसका कलर ऑल्सो है पर्पल। उसके बाद हमारे यहाँ पर ये नाइफ आप देख सकते हैं। ये नाइफ है जो कि प्लास्टिक में है, और इसे हम सिर्फ तभी यूज करते हैं जब हमारे पास एलर्जन गैस आते हैं। तो ये भी पर्पल कलर का है। ये तीसरा आइटम, और उसके अलावा हमारे पास ये देख सकते हैं ये क्या है, ये है थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर है, इससे हम चेक करते हैं खाने का टेम्परेचर और ये सब कुछ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये तीन मेजर इक्विपमेंट इसमें रखे रहते हैं, नाइफ, टोंग और हमारे पास ये जो लैडर है ये है। तो ये तीन टोंग है जिसके थ्रू, जिसको यूज करके हम एलर्जन गैस के लिए हम खाना बनाते हैं। तो ये पर्पल कलर स्पेशली होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में एलर्जन गैस के लिए। तो इससे कंटामिनेशन नहीं होता है, गैस को फूड पॉइजनिंग नहीं हो सकती है, और जिस चीज से भी एलर्जी है उससे वो बचता है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिए। तो होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपके पास इससे कोई अलग सजेशन है, या आपके पास कोई और नॉलेज है रिलेटेड टू चॉपिंग बोर्ड्स, तो जरूर मुझे कमेंट में बताइए। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो रूल्स हैं, ये जो चॉपिंग बोर्ड्स अलग अलग कलर में, कौन से कलर में कौन सा हम खाना काटते हैं, कौन सा यूज चॉपिंग बोर्ड किसके लिए यूज करते हैं, ये हर कंट्री में एक जैसा नहीं है। कुछ कुछ कंट्रियां हैं जहां पर ये थोड़ा सा अलग है। कहीं पे व्हाइट चॉपिंग बोर्ड में आपका डेयरी नहीं कटेगा, कुछ और कटेगा। कहीं पर ब्राउन चॉपिंग बोर्ड में आपका कुक्ड आइटम नहीं कटेगा, कुछ और कटेगा। तो कहीं कहीं पर ये वर्ल्ड में कहीं कहीं पर अलग इसका रूल्स हैं, बट ज्यादातर आप देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको यही रूल मिलेंगे कि इन चॉपिंग बोर्ड में यही काटा जाता है जो मैंने आपको आज बताया। नॉर्मली जो चॉपिंग बोर्ड होते हैं हमारे किचन में, वो 12x18 इंच के होते हैं, और इनकी जो थिकनेस होती है वो होती है 20 मिलीमीटर। चाहे होटल हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे कहीं पर भी जहां आपको खाना मिल रहा है, चाहे वो ढाबा हो या किसी भी तरीके का इंडस्ट्री जहां पर आपको खाना सर्व किया जा रहा है, जहां पर किचन है, जहां पर खाना बन रहा है, वहां पर आपको अलग अलग तरह के चॉपिंग बोर्ड मिलते हैं। ये चार तरह से बनते हैं, एक प्लास्टिक, दूसरा वुडन, तीसरा बम्बू और चौथा रबर। चार तरह से आपको चॉपिंग बोर्ड अवेलेबल होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं होटल इंडस्ट्री में, वो होता है प्लास्टिक का, ये होता है हार्ड प्लास्टिक, और इसमें दो तरह के आपको चॉपिंग बोर्ड पाए जाते हैं। पहला होता है हाई डेंसिटी पॉलिथीन और दूसरा होता है लो डेंसिटी पॉलिथीन। नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं किचन में, वो होता है हाई डेंसिटी पॉलिथीन। तो ये बहुत ही हार्ड होता है, बट प्लास्टिक होता है। बट ऐसा नहीं कि आप इसमें अगर कोई कटिंग कर रहे हैं, कुछ भी आप इसमें काम कर रहे हो, तो इसका प्लास्टिक निकल के आपके खाने में जाएगा। ये बहुत ही हार्ड होता है और इसमें कोई भी बैक्टीरिया आपका नहीं, मतलब नहीं ग्रोथ कर पाता है। तो ये हमारे पास इतने तरह की क्वालिटी हमारे किचन में पाई जाती है। सो गाइस, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे वीडियोस और आने वाले हैं, बहुत सारे नॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और आने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया मुझे तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी ब्लॉगर। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी यू द नेक्स्ट वीडियो। बाय।